Hello friends, my name is Vaibhav Garg and I am from Lucknow. I am also a Rashtrapati Scout of Northern Railway Bharat Scouts and Guide. So, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि शीट बैंड कैसे बनाई जाती है. इसको हिंदी में पाल बंद भी बोला जाता है. ठीक, तो आइए शुरू करते हैं. और शीट बैंड में एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि ये शीट बैंड हमेशा दो असमान रस्सियों पर लगाई जाती है, जैसे कि एक मोटी रस्सी एक पतली रस्सी, या एक गीली एक सूखी रस्सी. इन दो असमान रस्सियों पे इसको लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है. शुरू करते हैं. एक रस्सी के में एक लूप बना लेना है, उसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है. ये आपका सुस्त सिरा रहेगा. ठीक, इसको इस तरह से लूप बना के अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है. ठीक, अब सेकेंड रस्सी को लेना है, इस लूप के नीचे से डालना है. ठीक, ऊपर की तरफ आ जाएगी. अब इसको अपनी एक उंगली बढ़ाकर उसके ऊपर छोड़ दीजिए. ठीक, इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगा. इसको नीचे से पकड़िए, अपनी तरफ खींचिए और अगेन इस लूप के अंदर से पिरो दीजिए और ला के इस साइड खींच लीजिए. इस साइड जो आपका चुस्तरा तो उस तरफ. ठीक, अब इसको खींचिएगा तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी, फ्रंट से इस तरह से बैक से. ठीक है, यही इस रस्सी की पहचान है कि इसकी डिज़ाइनिंग ही इसकी पहचान है. ठीक है, अब इस रस्सी को जब आप थोड़ा सा टाइट कर देंगे ना तो ये कम्प्लीट हो जाएगी. देखिए, और खींचने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी. इधर ये तीन ट्रायंगल सा बनेगा, पीछे एक लूप सा बनेगा. ठीक, अब इसको आप खींचेंगे तो ये रस्सी खुलेगी नहीं. दो असमान रस्सियों को जोड़ने का ये एक तरीका होता है. ठीक, इफ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इस पर मैं इसी टाइप की और भी वीडियोज टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, और इफ आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो में या गांठ बनाने में तो मेरे को कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.